डेनियल सेल के लिए यहाँ पर हम इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, देखिए जिंक, फिर छोटी लाइन जिंक 2+, डबल लाइन है, फिर कॉपर 2+, फिर सिंगल लाइन, फिर कॉपर। तो ये आपने सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सीख लिया है कि जिंक जो है जिंक सल्फेट में डूबा है और एक लवण सेतु है और कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर की रॉड डूबी हुई है। तो ये एक व्यवस्था हो गई डेनियल सेल के लिए। दोनों इलेक्ट्रोड जिस सॉल्यूशन में डूबा है उसके लिए यदि हम नंस्ट इक्वेशन के आधार पर ई की गणना करें तो क्या होगा, ई कॉपर 2+ बाई कॉपर, ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, इक्वल टू ई जीरो कॉपर 2+ अपॉन सी यू प्लस आर टी अपॉन 2F। यहाँ 2 अलग से लिख लिए क्योंकि जो डेनियल सेल है वो स्पेसिफिक हो गया, वहां दो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है इसलिए 2F, फिर Ln कॉपर 2+। दूसरा हम ले रहे हैं ई जिंक 2+ बाई जिंक इक्वल टू ई जीरो जिंक 2+ बाई जिंक प्लस आर टी अपॉन 2F log, यहां भी हम लेते हैं जिंक 2+। तो इन दोनों जो अर्ध सेल के लिए हमने नंस समीकरण अलग अलग रिप्रेजेंट किया, अब इसे E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड के आधार पर इसे लिखेंगे। तो वो इस E0 सेल इक्वल टू ER माइनस EL, R यहाँ राइट हैंड साइड और L यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में होता है कैथोड और लेफ्ट हैंड साइड में होता है एनोड, तो इसलिए हम कैथोड माइनस एनोड भी लिखते हैं। ई सेल इक्वल टू बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा E0 Cu 2+ बाई 2 प्लस Rt अपॉन 2F log कॉपर 2+। तो चूंकि यहाँ कॉपर कैथोड है, माइनस एनोड की वैल्यू लिखेंगे तो E0 जिंक 2+ बाई जिंक प्लस Rt अपॉन 2F log, यानी Ln लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल log है और जिंक 2+। फिर यहाँ पर होगा दोनों को यदि हम थोड़ा सरल करेंगे, कॉमन ले लेंगे कुछ चीज़ों को, तो E0 कॉपर 2+ यानी कैथोड माइनस एनोड, तो कॉपर 2+ बाई कॉपर माइनस E0 जिंक 2+ बाई जिंक, ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। ये E0 सेल है डेनियल सेल के लिए, प्लस Rt अपॉन 2F Ln, ऊपर कॉपर 2+ और नीचे जिंक 2+। तो ऊपर जो कॉपर 2+ है वो यहाँ पर हो गई ऑक्सीकृत अवस्था और यहाँ पर जिंक है वो यहाँ पर हो गई अपचयित अवस्था। तो यहाँ चूंकि प्लस साइन है देखिए, तो प्लस यानी पॉजिटिव, ऊपर ऑक्सीडाइज स्टेट, यहाँ पे कॉपर की वैल्यू, कॉपर की जो सांद्रता है वो लिखा जाएगा और नीचे जो रिड्यूस्ड स्टेट है यानी जिंक जिस सॉल्यूशन में है उसकी सांद्रता को यहाँ पर लिखा जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज रख दें तो ई सेल बराबर E0 सेल प्लस Rt अपॉन 2F log कॉपर 2+ अपॉन जिंक 2+। तो यदि E0 सेल की वैल्यू रखेंगे डेनियल सेल के लिए तो वो होगा 1.10, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1.10 डेनियल सेल के लिए इजीली, प्लस 2.303 Rt अपॉन 2F log 10 बेस है, तो इसलिए 2.303 से मल्टीप्लाई हुआ log 10 बेस, और ऊपर हम लिखेंगे Cu 2+ और नीचे हम लिखेंगे जिंक 2+। इस पूरे समीकरण को यदि हम थोड़ा सा और सरल कर लें, यदि हम सभी वैल्यूज़ के को पुट कर दें तो सभी मानों को रखने के बाद जो वैल्यू आती है वो है 0.0591/2 log, ऊपर हमने लिखा कॉपर 2+ और नीचे हमने लिखा जिंक 2+, जो कि दोनों इलेक्ट्रोडों के लिए जिस सॉल्यूशन में उनको डुबाया गया है उसके सांद्रता पद को व्यक्त करता है। तो न्यूमेरिकल प्रश्न में भी जब हम नंस समीकरण बनाएंगे तो सांद्रता पद के मानों को ऊपर और नीचे दोनों के लिए, कैथोड हो चाहे एनोड हो उसके लिए रखेंगे, बाकी इस तरफ का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा ही रहेगा, यानी ई सेल इक्वल टू E0 सेल प्लस 0.0591/2 है। यदि डेनियल सेल है तो 2 है, यदि कोई दूसरा सेल होगा तो वहाँ पर ये चेंज भी हो सकता है, तो हम उस समय सूत्र को अपॉन एन करके भी लिख सकते हैं और लॉग ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा ऑक्सीकृत अवस्था और नीचे होगी अपचयित अवस्था यदि हम प्लस साइन ले रहे हैं तो। यहाँ पर यदि हम साम्यावस्था स्थिरांक और नंस्ट समीकरण के मध्य संबंध को स्थापित करें उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं डेनियल सेल का ही, कि डेनियल सेल को यदि लघुपतित कर दिया जाए तो यहाँ पर जो विद्युत धारा का प्रवाह है
वो तब तक बना रहेगा जब तक इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर कार्य करेगा। यदि वह विभवांतर कार्य नहीं करेगा या इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर नहीं होगा तो यहाँ पर जो ई सेल का मान है वो शून्य होगा, यानी साम्यावस्था की स्थिति स्थापित होगी और ई सेल की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। तो फिर किस तरह से साम्यावस्था स्थिरांक और नर्नस्ट समीकरण एक दूसरे से संबंधित हैं ये हम जानेंगे। जैसे यदि हम डेनियल सेल को लेते हैं तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिंक 2+ में कन्वर्ट होता है और कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर में परिवर्तित होता है। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जिंक प्लस कॉपर 2+ इज इक्वल टू यहाँ पर जिंक 2+ प्लस कॉपर। तो यदि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार साम्यावस्था स्थिरांक है यहाँ पर Kc बराबर ऊपर जिंक 2+ और नीचे कॉपर 2+, तो जो जिंक 2+ और कॉपर 2+ लिखा गया यहाँ पर जिंक और कॉपर जो सॉलिड है उसकी सांद्रता को इकाई ले लिया गया, इसलिए केवल जिंक 2+ अपॉन कॉपर 2+ लिया गया। क्योंकि जो साम्यावस्था स्थिरांक हम ज्ञात करते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, उसमें उत्पादों के मोलर सांद्रताओं का गुणनफल और जो अभिकारक है उनके मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के अनुपात को हम Kc के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ जो जिंक सॉलिड है या कॉपर सॉलिड है उसको हम इकाई, उसकी सांद्रता को हम इकाई के रूप में ले लेते हैं, तो Kc बराबर जिंक 2+ अपॉन कॉपर 2+ प्राप्त होता है। इस मान को हम जब समीकरण में रखें तो कैसा मान आएगा वो देखिए कि यदि यहाँ पर साम्यावस्था की स्थिति है, यदि नर्नस्ट समीकरण को व्यक्त करें तो ई सेल बराबर ई जीरो सेल प्लस 2.303 RT अपॉन NF प्लस लॉग ऊपर Cu2+ और नीचे जिंक 2+ है। तो यहाँ प्लस है तो इसलिए ऊपर कॉपर 2+ है और नीचे जिंक 2+ है। यदि यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और लॉग ऊपर जिंक 2+ और नीचे कॉपर 2+। साम्यावस्था की स्थिति में जो ई सेल का मान है वो यहाँ शून्य प्राप्त हुआ, तो ई सेल की जगह पे हमने लिखा शून्य बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग Kc। लॉग Kc किसकी जगह पे लिख रहे हैं, जिंक 2+ और कॉपर 2+ के अनुपात की जगह हमने लिखा Kc। तो ये जो Kc का मान है साम्यावस्था स्थिरांक के मान को दर्शा रहा है। यहाँ हमने माइनस साइन लगा दिया तो जिंक 2+ जो कि पहले नीचे था अब वो ऊपर चला गया, तो इसलिए हमें Kc की वैल्यू को रखना आसान हो गया। यदि वैसा नहीं करते तो 1/Kc भी कर सकते थे, लेकिन आसान करने के लिए हमने सूत्र को इस तरह से चेंज किया, सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन कर दिया, सामने हम प्लस की जगह पे माइनस कर दिए। तो अब हमारे पास जो संबंध आया वो है E0 सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग Kc और E0 सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग Kc। अब 0.0591 हम काफ़ी बार देख चुके हैं कहाँ से आ रहा है ये वैल्यू, ये वैल्यू आता है जब हम टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं, जब हम R का मान 8.314 लेते हैं, 95,500 कूलाम, तो वो ये सब मानों को जब हम गुणा भाग करते हैं तो हमारे पास जो मान आता है वो है 0.0591। उस मान को हमने यहाँ पर सरल करके लिख दिया, तो E0 सेल इक्वल टू 0.0591 बटा N लॉग Kc। N इसलिए लिखा जा रहा है, यहाँ तो हम डेनियल सेल के लिए बात कर रहे हैं तो हम N की जगह 2 भी करके लिखेंगे तो भी सूत्र सही होगा, लेकिन इसके अलावा यदि दूसरे किसी सेल के लिए Kc की वैल्यू निकालनी हो, E0 सेल की वैल्यू निकालनी हो, तो ऐसी स्थिति में हम 2 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे हम N लिखेंगे, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल सकती है। तो लॉग Kc का मान आया लॉग Kc बराबर E0 सेल इंटू N अपॉन 0.0591। तो ये जो मान आया है, अब इस मान की सहायता से हम यहाँ पर Kc का मान निकाल सकते हैं, साम्यावस्था की गणना कर सकते हैं, E0 सेल की भी गणना कर सकते हैं, यदि Kc की वैल्यू दी है तो उस आधार पर हम उसकी भी गणना कर सकते हैं। अब हम नर्नस्ट समीकरण से संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न पहला, निम्न सेल की 298 केल्विन पर नर्नस्ट समीकरण एवं EMF या विद्युत वाहक बल उसके लिए लिखिए।
E0 मैग्नीशियम 2 प्लस बाई एम जी इक्वल टू माइनस 2.307 वोल्ट, और E0 कॉपर 2 प्लस बाई कॉपर इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। यहाँ पर जो सेल है वह है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 प्लस, उसका सांद्रण 0.001 एम, फिर डबल लाइन जो लवण सेतु है, कॉपर 2 प्लस के लिए सांद्रता है 0.0001 एम, और एक सिंगल लाइन जो कि यहाँ पर बाउंड्री की तरह है ठोस और विलयन के मध्य, तो ये कॉपर है। एनोड पर होने वाली सेल अभिक्रिया होगी Mg इक्वल टू Mg 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर होने वाली सेल अभिक्रिया कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कॉपर। दोनों के लिए नेट सेल रिएक्शन होगा मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2 प्लस इक्वल टू Mg 2 प्लस प्लस Cu। EMF ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है E इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Mg 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। तो E0 सेल पहले ज्ञात करेंगे E0 कैथोड माइनस E0 एनोड करके, तो कैथोड यहाँ पर कॉपर है तो 0.34 माइनस 2.307, ये मैग्नीशियम यानी यहाँ पर ये मैग्नीशियम एनोड है। तो हमारे पास जो मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान प्राप्त होता है वह है 2.71 वोल्ट। इस E0 के वैल्यू को जब हम इस सूत्र में रखेंगे तो 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.001 बाई 0.0001 ये क्रमशः मैग्नीशियम एवं कॉपर के सांद्रता को व्यक्त करता है। जब हम इसे सरल करेंगे तो ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक है और नीचे दशमलव के बाद 4 अंक है, तो इसे हम सरल कर लेंगे, दशमलव को काट देंगे तो एक जीरो ऊपर लगा देंगे, तो ये दशमलव के बाद ऊपर भी 4 अंक होगा और दशमलव के बाद नीचे भी 4 अंक हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो सरलतम सूत्र आएगा वो होगा 2.71 माइनस 0.0295, क्योंकि हल करेंगे 0.0591 को जब 2 से भाग देते हैं तो मान आता है 0.0295 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। 2.71 माइनस 0.0295 इक्वल टू यानी यहाँ EMF कैलकुलेट करने पर आएगा 2.68 वोल्ट। नंस्ट समीकरण से संबंधित ही एक और प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न दूसरा। निम्न सेल की 298 केल्विन पर नंस्ट समीकरण एवं EMF लिखिए। Sn Sn 2 प्लस 0.050 m डबल लाइन है जो लवण सेतु को दर्शा रहा है, H प्लस 0.020 m और H2 जो कि 1 बार है, और प्लेटिनम चूँकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इस तरह से प्रदर्शित किया गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, हाइड्रोजन गैस है जो कि प्लेटिनम पर अधिशोषित होता है। तो यहाँ पर जो टिन है Sn है उसके लिए E0 की वैल्यू दी हुई है माइनस 0.14 वोल्ट। एनोड पर होने वाला जो रिएक्शन है उसे दर्शाया जाएगा Sn इक्वल टू Sn 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। इसी तरह से जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो यहाँ कैथोड की तरह कार्य कर रहा है, उस पर अपचयन की क्रिया हो रही है, तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2। तो नेट सेल रिएक्शन होगा Sn प्लस 2H प्लस इक्वल टू Sn 2 प्लस प्लस H2। EMF ज्ञात करने पर EMF बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग Sn 2 प्लस अपॉन H प्लस और स्क्वायर। ये जो H प्लस के ऊपर स्क्वायर लिखा है यह बैलेंस करने के लिए लिखा है, चूँकि Sn द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, हाइड्रोजन के 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, इसलिए H प्लस का सांद्रण जब लिखते हैं तो H प्लस के ऊपर हम घात में 2 लगाते हैं जिससे ये बैलेंसिंग को शो करता है। E0 सेल जब हम इसके लिए निकालते हैं यानी मानक अवस्था में E0 सेल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो यहाँ पर
कैथोड यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसके लिए वैल्यू है 0.0 माइनस एनोड यहाँ टिन है तो 0.14 माइनस में है ये वैल्यू। अब इसको जब हल करते हैं तो हमारे पास E0 का मान प्राप्त होता है, वह है 0.14 वोल्ट। अब EMF ज्ञात करते समय इस मान को रखते हैं तो EMF बराबर 0.14 माइनस 0.0295 लॉग, ऊपर हमने लिखा यहाँ पर टिन के लिए सांद्रण यानी 0.05 और यहाँ नीचे हमने लिखा 0.02 और स्क्वायर। तो इसको जब हल करते हैं तो हल करने पर हमारे पास आता है 0.14 माइनस 0.0295 लॉग 125। लॉग यहाँ 125 है, उसको हम जब ज्ञात करेंगे तो क्या वैल्यू आती है देख लेते हैं। यहाँ 0.14 माइनस 0.0295 ये वैल्यू कहाँ से आई, 0.0295 हमारे पास आई जब हमने 0.0591 को 2 से भाग दिया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.0295। जब हम 125 का लॉग देखते हैं तो 125 का जो पूर्णांश है वह होगा 2 और लॉग टेबल में हम 12 का 5 देखेंगे तो मान है 0.0969। तो 125 को हम 2 पार्ट में देखेंगे, पूर्णांश और अपूर्णांश। पूर्णांश के लिए हम नंबर कितने हैं वो देखते हैं, तो टोटल नंबर यहाँ 3 है 125 में, तो उसका जो पूर्णांश होगा वो 1 घटा देंगे तो 3 में से 1 घटाए तो 2 आया, तो पूर्णांश हो गया 2। फिर दशमलव लगाएंगे और 12 का 5 लॉग टेबल में देखेंगे, यानी अपूर्णांश पार्ट को देखने के लिए हम लॉग टेबल का प्रयोग करते हैं। तो 12 का 5 देखने पर आता है 0.0969। जब हम दोनों को गुणा करेंगे 0.0295 को 2.0969 से तो वैल्यू आती है 0.062। यहाँ पर 0.14 जो हमारे पास E0 सेल की वैल्यू आई थी उसमें से इस मान को घटाते हैं, घटाने पर जो मान आता है 0.078 वोल्ट। अब हम देखेंगे कि मानक विद्युत वाहक बल यानी E0 सेल कैसे KC से या साम्यावस्था स्थिरांक से संबंधित है। इसी सूत्र की सहायता से हमें एक और सूत्र प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि यदि हमारे पास मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, जो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हमने ज्ञात किया था कि माइनस डेल्टा G0 मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी मानक मुक्त ऊर्जा में कमी बराबर NFE0 सेल, तो यदि हमारे पास E0 सेल का मान है RT/NF log KC जो अभी हमने ज्ञात किया, तो इस मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन वाले सूत्र में हम E0 सेल की वैल्यू को रख देते हैं। तो अब हमारे पास जो सूत्र है वो है माइनस डेल्टा G0 इक्वल टू NF इंटू RT/NF log KC। log यहाँ पर ln KC के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं और log KC के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम पूरी वैल्यूज़ को नहीं लिख रहे हैं। तो अब सूत्र आया डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस RT log KC, नेचुरल log है क्योंकि यहाँ पर जो NF है ये दोनों कट जाता है, तो मान आता है माइनस RT log KC। इस माइनस साइन को हम डेल्टा जी की तरफ से दूसरी तरफ ले गए तो इसलिए डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस RT log KC। यदि यहाँ पर log 10 बेस लिया जाएगा तो सामने 2.303 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस 2.303 RT log 10 KC। तो इस प्रकार से ये वैल्यू जो है वो बताती है कि कैसे KC यानी साम्यावस्था स्थिरांक सेल के विद्युत वाहक बल से संबंधित है। तो इन प्रश्नों की सहायता से हम किसी भी सेल के लिए साम्यावस्था स्थिरांक की गणना कर सकते हैं, सेल विभव की भी गणना कर सकते हैं। तो इससे संबंधित संख्यात्मक प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। अब हम एक और प्रश्न देखते हैं, घड़ियों एवं युक्तियों में अत्यधिक उपयोग में आने वाली बटन सेलों में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। जिंक इक्वल टू जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन, E0 की वैल्यू दी हुई है -0.76 वोल्ट। Ag2O + H2O + 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 Ag
प्लस 2OH माइनस E0 की वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट। इसको कंप्लीट करेंगे तो जो सेल अभिक्रिया है वो है जिंक प्लस Ag2O प्लस H2O इज इक्वल टू जिंक 2 प्लस प्लस 2Ag प्लस 2OH माइनस। कंप्लीट जो सेल के लिए वैल्यू आती है E0 इक्वल टू 1.104। तो इस अभिक्रिया के लिए आपको ज्ञात करना है डेल्टा G0 एवं E0। इसके लिए हम सबसे पहले फिर से रिएक्शन को पुनः लिखते हैं कि जिंक से जिंक 2 प्लस बना प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए मान है 0.76 वोल्ट। Ag2O प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Ag प्लस यहाँ पर बना 2OH माइनस, तो E0 की वैल्यू है 0.34 वोल्ट। एनोड और कैथोड की वैल्यू दी हुई है तो E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 1.10 वोल्ट। जब E0 का मान हमें पता चल गया तो अब हम आसानी से डेल्टा G0 अर्थात मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन सेल विभव के संबंध के साथ वो हम लिखेंगे डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस NFe0। तो N यहाँ चूँकि 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है तो N की जगह हमने लिखा 2, और F यहाँ पर फेराडे को शो कर रहा है तो फेराडे यहाँ पर वैल्यू होगी 96,500 कूलम, और E0 का मान प्राप्त हुआ है 1.10 वोल्ट। कैलकुलेट करने पर जो आंसर आता है वो है माइनस 2.123 × 10⁵ जूल। तो डेल्टा G0 एवं E0 के संबंध को दर्शाने के लिए ये सूत्र है डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस NFe0। अब हम एक और प्रश्न देखेंगे, दी गई अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक एवं प्राप्त होने वाली अधिकतम कार्य की गणना कीजिए। जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस इज इक्वल टू कॉपर प्लस जिंक 2 प्लस, तो जिंक के लिए वैल्यू है माइनस 0.76 और कॉपर के लिए वैल्यू है 0.34 वोल्ट, और फेराडे वैल्यू दिया हुआ है 96,500 कूलम पर मोल, और यहाँ पर साम्यावस्था की गणना करनी है हमें। तो सेल को लिखने का जो तरीका है वो जिंक फिर एक लाइन फिर जिंक 2 प्लस डबल लाइन फिर कॉपर 2 प्लस सिंगल लाइन कॉपर। तो यहाँ पर E0 सेल ज्ञात करेंगे तो चूंकि यह डेनियल सेल की ही बात हो रही है तो E0 सेल की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.10 वोल्ट ही आता है। यहाँ हम मान रखते हैं डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NFe0। फिर से उसी तरह से मानों को रखेंगे, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है तो माइनस 2 × 96,500 × 1.10, तो मान आता है माइनस 212300 जूल पर मोल डेल्टा G0 के लिए वैल्यू है। डेल्टा G0 एवं साम्यावस्था स्थिरांक का जो सूत्र है उनके संबंध के लिए वह है डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC। डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस 212300 जूल पर मोल हमें प्राप्त हुआ है। R की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 298 केल्विन। सभी मानों को यहाँ रखते हैं, माइनस 212300 इक्वल टू माइनस 2.303 × 8.314 × 298 × log KC। यहाँ पर चूंकि हम LOG log लिख रहे हैं तो log 10 आधार को शो कर रहे हैं, यहाँ सामने हमने 2.303 से मल्टीप्लाई किया इसी कारण से। जब हम log KC को कैलकुलेट करेंगे तो 212300 by यहाँ पर मान आता है 2.303 × 8.314 × 298। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है वो 37.2074। चूंकि यह मान log KC का है और हमें चाहिए केवल KC, तो log KC के मान से हम एंटी लॉग को कैलकुलेट करेंगे तो KC की वैल्यू आएगी।
तो केसी की वैल्यू के लिए जो आई हुई वैल्यू है 37.2074 जो कि लॉग केसी की वैल्यू है, और अभी हम सिर्फ केसी निकालना है, तो दिए गए जो मान आया है उस मान का हम एंटी लॉग देखेंगे। तो एंटी लॉग देखने के लिए 0.2074 को हम टेबल में देखेंगे, 0.20 का 7 देखेंगे और 4 उसके मीन डिफरेंस पे देखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 10^10 उसके घात में हमने 37 को लगा दिया। तो इस तरह से एंटी लॉग की गणना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांश और अपूर्णांश पार्ट जो है दोनों आ गया है, तो यहाँ जो एंटी लॉग टेबल होता है वो अपूर्णांश पार्ट से ही स्टार्ट करना है। देखना, निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वेनी सेल का मानक सेल विभव ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न है 2Cr+3Cd2+2Cr3+3Cd। E0 क्रोमियम के लिए है -0.74 और E0 कैडमियम के लिए है -0.40। तो EMF ज्ञात करेंगे, E0 कैथोड -E0 एनोड, तो कैथोड से एनोड यहाँ पे माइनस करेंगे, तो जो मान हमारे पास आया है, क्योंकि दोनों ही E0 का मान जो है दोनों इलेक्ट्रोड के लिए E0 का मान माइनस में है, तो -0.40 माइनस फिर -0.74, सब कैलकुलेट करने के बाद जो मान आया है वो है 0.34 वोल्ट। ये हमें प्राप्त हुआ EMF का मान। अब डेल्टा G0 इक्वल टू होता है -NFE0 सेल। N यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 6 है। कैसे 6 है, देखिए ऊपर रिएक्शन में 3Cd2+ है और दूसरी तरफ हो रहा है 2Cr3+, तो 2×3 और 3×2, 3×2 and 3×2, यहाँ पर आ गया 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आदान प्रदान के लिए, तो 6×96,500 × 0.34 जो कि EMF आया है हमारा। तो डेल्टा G0 की वैल्यू प्राप्त हुई -196860 joule per mole। जब हमारे पास डेल्टा G0 की वैल्यू आ जाती है तब हम KC का मान भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। -delta G0=2.303 RT log KC, ये सूत्र है। डेल्टा G0 या माइनस डेल्टा G0 की जो मान है वो आया है, यहाँ पर लिखेंगे -196860, फिर -2.303 RT log KC, तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास 196860=2.303 × 2.303 × 8.314 × 298 log KC, जो R का मान है वो हमने लिया 8.314। log KC जब पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो वैल्यू आती है log KC के लिए 34.5014। चूँकि KC ज्ञात करना है तो इस वैल्यू का हम एंटी लॉग लेंगे, तो KC=anti log 34.5014। KC ज्ञात करते हैं तो इसका एंटी लॉग टेबल में वैल्यू पुट करेंगे तो 3.192 × 10^34। तो एंटी लॉग टेबल में हम 0.50 का 1 देखेंगे और 0.50 का ही मेन डिफरेंस में 4 देखेंगे, दोनों वैल्यूज़ को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इस एंटी लॉग टेबल में जो पूर्णांश पार्ट है उसको हम घात के रूप में दशमलव के आधार पर और घात में किस तरह से लगाया है वो देखिए। KC=3.192 × 10^34।